भगवान ने आज बहुत अमिया बीनी, इनको नाम भगवान है। पन्नी अपने कागज की पतंग बनाए, प्लस वहां में पन्नी की पूंछ लगाए। तो डंडा काहे के मारे ले तू बड़ू जा बताओ। ए जा कौन ले ले यार तरबूज, चल ले घर है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, तो आपको स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते होंगे सब अच्छे ही होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो मैं आपको बता दें तो आज ना मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था, तो इस वजह से हम और तृप्ति, चित्रांशु और सनी हम लोग चारों लोग घर से बाहर निकल के आए थे। तब बारिश हो रही थी, यानी कि हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी और ठंडी ठंडी धूप आ गई। हाँ, हवा चल रही थी। जब हम लोग यहाँ आके बैठ गए तब देख रहे हैं कैसे करके धूप निकल के आई, और चित्रांशु और सनी दोनों लोग आम बीन रहे सामने। काहे की वजह से बहुत तेज आंधी और आई थी, जब वजह से तो हम लोग अभी यहीं पे बैठे। तो आप लोग देख सकते हैं, तो हम यहाँ पे दो तीन बार पहले भी आ चुके हैं और आज भी आए हैं। तो चलो दिखाते हैं सामने क्या हो रहा है। साइकिल चल रही है, गिराए दिए मिट्टी ये तुम्हें। ए बोली कौन नहीं है ना, है ना, ये ना जो व्यक्ति अमिया ले हुई है वो सामने तो आ ही नहीं सका। देख रहे कितने लेकिन कितनी बड़ी पन्नी टांगे जो देखो। बहुत से लोग आके भाई दोपहर में यहीं पे बैठते आगे, क्योंकि यहाँ पे छाई ना बहुत अच्छी है एकदम। ये देखो पेड़ी पेड़ है, शाम को भी काफी अच्छा लगता है यहाँ पे। ये देखो अमिया देख रहे कितनी लगी है, अगर इन्हें झोल ले तो जो हम लोग इनको और जोर दिए। देख रहे बहुत ज्यादा वाली अमिया लगी है, तभी चित्रांशु आ रही है ना। और चित्रांशु को पता अमिया बहुत अच्छी लगती है, जा वजह से ये देखो वे तुम्हें और जोर दिए हैं। जे डंडा लेके आई है ना, जानी पता कि वे सामने बैठे हम यही रखाए बैठे हुए। देखो जे डंडा लेके जोरन जा रही थी, तो वे तुम्हें डायरेक्ट जोरे हैं आए के। का यार तुम जा बता, तुम जे टपके के पेड़ पे ही बैठ जाओ करे ऊपर। अरे बैठा दे यार, देख रहे हो है। अरे वे देखो कैसे करके पन्नी भरे ला दे पीठ पे। वो लड़का सामने है, शायद उनको ही नाम भगवान है। बुलाए रहोगे भगवान की जना। अरे भगवान अब सुनिए ही नहीं तुम्हारी, जान गए जू मांगा थे हमसे आम। भगवान दास है वे सामने है, तो तुम जाए गए रही डर लगा तुम्हें ऐसे लोगों से। भगवान ने आज बहुत अमिया बीनी, इनको नाम भगवान है, लोग इनसे भगवान कहा थे कहे। अरे भैया बात सुनो, तुम्हारा नाम भगवान है ए? अरे यार तुम बोलोगे नहीं रहे यार, दिखाए तो दो कितनी बीन ली तुमने। जाए अच्छा अमिया दिखाए दो, अमिया अमिया कछु नहीं मिली, भगवान ने बजाए हो तो यार। हम लोग बाजू आ रहे हैं, हमने कही यार कहीं सर रही मार मूर दे, मैं कही हटा यार बेइज्जती का होगी, चले आए सही कार बेइज्जती होगी, मैंने अमिया ने दिखाई बजाए हम लोग। चलो ठीक है, तो भैया बहुत टाइम हो गया कछु गए नहीं, बाकी यहाँ लोग आए गए मैं तो हम लोग आए थे यहीं थे, तो हम लोग जा रहे हैं पुल पे जिनसे थोड़ी दूर है, तो हम लोग वहाँ से लेंगे तरबूज। तरबूज लेने के बाद सीधा पहुँचेंगे घर पे, क्योंकि मौसम अच्छा था, तो इसलिए घर से हम लोग पहुँच गए हैं पुल पे। वो पेड़ है जो कह रहे फनिया की मार मार की लोग देख लिए। फिर ए फनी डरी रान दो यार, थोड़ी बता फिक्र हो यही है जो रख के तरबूज आओ, तरबूज ले चल के। हम लोग पहुँच गए अंकल जी, कह रहे हम 8 रुपया लगे, मुझे कह रहे हम रोज ले जाओ 6 रुपया लगाओ। अंकल जी मान गए, चलो तोल दो आप, दुआ कर दो कौन समझू। चलो भैया कहाँ चल रहे, अच्छा यहीं तो लिए तकरी नहीं है। कहाँ है तकरी यार, सही कहा, 8 किलो 800 ग्राम 4 किलो 800 ग्राम 5 10 किलो है पूरो पूरो है खाए जाने जो ज्यादा है 3 किलो ठीक ठीक 10 किलो है आओ है 10 किलो अर्जेस्ट है को जागो बा में है बिल्कुल टिकरिया नहीं लगी है जा में पके ले जा टिकरिया नहीं गारंटी लगा जैसे वापस ये देखो ये ऐसे करके लगाई जा रही है देखो ये देखो बहुत सही तरबूज तो यार पके एकदम खराब दौड़ूंगा ये पागल हो ने ले ला यार तरबूज चल रहे घर है धरना बन जाए जुझे फिर कहीं में तो है 10 किलो को पकड़े है।
तो हम लोग लेके आ चुके हैं तरबूज, ये आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर पे। ये देखो कैसे करके दोनों जने टांगे देख रहे हो आप, फनी पे पूरी कफल ले लीजिए। बहुत वजन है यार बाबा, 10.5 किलो आज दस किलो। चलो ठीक है, तो यार हम लोग पहुंच रहे हैं घर, सीधे में ही मिले चले। ठीक है टाउन, तो यहाँ पे पता है सब लोग एकदम ऐसे करके देखने लगे, ना शर्म आए व्यक्ति को तो शर्म आने लगा। तृप्ति आज थक गई, घर पहुंच थक गई बेचारी, पकड़वाए ले आओ। हम लोग देख सकते हैं ये मैच खेलना स्टार्ट हो गया है और हम लोग अपना लेके आए तरबूज, बहुत भारी है, जा नहीं रहा हम पे। तृप्ति थक गई नहीं, जहाँ बैठ गई तरबूज लेके, आलिया और बैठी है। आलिया के संगे जो लोग हैं, तुम्हारा कौन नाम है बेटी? तुम्हारा कौन नाम है? जोया जी। आलिया, आलिया के पीछे पता नहीं को बैठो। अरसी, तुम्हें अरसी को? ये पलक है। उल्फत, उल्फत उल्लू बना रही थी। तुम जो डंडा काहे के मारे ले तो बड़ू जा बताओ। ए जाको किन को? आलिया को। ए हमने सोची, अच्छा हमने सोची तुम यार भैंस चराना है जा की वजह से, तो बड़ा अच्छा आलिया चराए रही। तो चलो चल रहा है हम लोग घर है। ठीक है आलिया, हम जाए घर है, चले होगी तुम? आलिया घर मेरे घर के पीछे है, छत से छत दिखाई दे। आओ जो दोनों जी खड़े आया, जो तुम ले लो झोला देख वहाँ तक आ जाओ। चलो आओ यूट्यूब पे। ओके बाय। इतनी तेज आंधी आई थी, देखो पेड़ टूट गए, ये पेड़ टूट गया। हमने आप लोगों को बताया था जैसे कि इन लोगों पे ये झोला जा नहीं रहा है। देख फनी ने कैसे करके ला दो कहा कि यार तुम थकवाए दे रहे, ले आओ कि पल्लेदारी करें। सनी ने उठाया कर लो कंदन पे, आप पहुंच जाए आराम से। सनी थक तो नहीं रहे? चलो ठीक है, चलो घर पहुंच रहे यार कैसे करके। आए तो हम तरबूज लेके आ चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो हमने इससे पहले काट लिया है क्योंकि गरम गरम तरबूज खाएंगे तो नुकसान कर जाएगा, तो इस वजह से इसे फ्रिज में रख के ठंडा कर देते हैं। ठंडा करने के बाद फिर इसको खाएंगे, इसे रख देते हैं फ्रीजर में। ये देखो तो ये ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद फिर खाएंगे इसको। तो फ्रिज हमारा काफ़ी गंदा चल रहा है आजकल, ये रख। तो आप लोग देख सकते हैं, तो हम लोग छत पर आ चुके हैं, तो ये कैफे करके यहाँ पे क्योंकि पतंग उड़ाई जा रही है। तो हमारी राधा दीदी भी आ गई है। हेलो राधा दीदी को मोबाइल नहीं दिखा सकते हैं, तो इस वजह से ये देखो आर्या भी आ गई। आरू हेलो करो, कहो हेलो दोस्तों। अरे पतंग उड़े हो? नहीं उड़े हो? तो ये लोग देखो पतंग उड़ा रहे हैं सब के सब, क्योंकि अब पतंग उड़ाने के दिन आ गए हैं। फनी को भाई कहूँ कोई पतंग नहीं उड़ान दे रहा। फनी पतंग तो दिखाओ भाई, देखो पन्नी अपने कागज की पतंग बनाए प्लस वहां में पन्नी की पूंछ लगाए, और जा कह रहा दीदी दीदी ले आ जाएगी का, कैसे करके ये लोग लड़ रहे हैं। गैस तो शाम हो गई, तो हम पता है ऊपर छत से आ चुके हैं नीचे, तो काफी टाइम हो गया है। तो बाकी सब लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन आज मेरा खाना खाने का मन नहीं था। तो आप लोग देख सकते पकौड़ी, यानी कि हमारे यहाँ इसे मंगौड़ा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में बताना। और ये साथ में मठा, धनिया की चटनी और मायोनीज। तो इतना ही, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर वीडियो पर नया आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।